देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको सवाल सिखाने वाला हूँ वो होगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, माइनस कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का सवाल होंगे और उसमें माइनस कैसे करते हैं इसके बारे में बताया जाएगा, अच्छी तरह सिखाया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब समझ में। देखिए सब्ट्रैक्शन के कई तरह के सवाल हैं और इनमें से मैं कुछ सवाल आपको बताऊँगा जो आपके समझ में आएगा, उसे आप आके सवाल आप कर सकते हैं। इतने तरह के रहेंगे, देखिए सवाल हैं और इनमें से मैं आपको कई सवालों को बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए आपके सामने सवाल है, दो सवाल है, दो को बता रहा हूं, फिर आगे भी बताऊंगा। तो इसमें देखिए पहले हम ऑब्जर्वेशन कर देखते हैं कि सवाल कैसे हल होगा। तो आप देखिए इसमें नीचे की संख्या, यहाँ भी नीचे की संख्या बराबर है, ऊपर की संख्या जो भी हो नीचे की संख्या बराबर। तब जब नीचे की संख्या बराबर होती है वो सवाल कठिन नहीं होता, काफ़ी आसान होते हैं। तब बस हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे, एक बार इसको उतार लीजिए, 13/8 -7/8। अब देखिए दोनों बराबर हैं, एक लाइन खींचेंगे, हम लिख देंगे 8, दोनों में से कोई एक लिख सकते थे, एक लिख दिए। अब इसके लिख देंगे हम 13, अब माइनस एक दे लेंगे 7, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6/8 का हो जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अब बस समझ में ऐसे ही, ठीक है। इसी इस सवाल को देख लीजिए, देखिए दोनों बराबर हैं, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, ठीक है। अब सवाल को पहले उतार लीजिए, 17/13 -11/13, दोनों में 13 है यानी बराबर संख्या है। तो एक लंबी लाइन खींचेंगे हम, एक कोई भी 13 लिख देंगे। अब ये लिख दिए 17 -11, बस यहाँ इक्वल टू का चिन्ह लगा दीजिए, इसे घटाइए। 7 में से 1 घटाएंगे 6, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 8 का हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा आंसर। है बस समझ में। देखिए थोड़ा सा बड़ा दिया है तो घबराइए मत, बस यहाँ पर लिखिए आप सॉल्व, ठीक है। सवाल को उतारिए, 43/53 -21/53। तो आपने क्या देखा कि दोनों बराबर हैं, तो हमने लिखा यहाँ इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे, कोई 53 कोई दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर इसको देखिए, बस यहाँ लिखेंगे 7 सॉल्व, और लिखेंगे 17/92 -13/92, ठीक है। अब फिर ये लिखिए, एक लंबी लाइन खींचिए जैसे ऊपर लगाए थे 92, अभी लिख दीजिए यहाँ पर 17 और -30, बस एक लाइन और कर दीजिए, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ का लिख देंगे हम 92, और इसको हम यहाँ कर लेंगे, 7 में से हम 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ से कोई नहीं 0 होगी तो इसको हमने लिखेंगे, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस सवाल को देखिए ऊपर वाले समझ में आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे का देखिए बराबर नहीं है, नीचे की संख्या हमारी जो है ये बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इनको बराबर करके, बिना बराबर के हल नहीं होगा, चाहे वो 8 का हो चाहे सब्ट्रैक्ट का हो, हम वही फार्मूला निकालेंगे। इन दोनों का हम क्या करेंगे, तो पहले लिखिए आप सॉल्व, वो सवाल को उतारिए, 7/9 -5/7। अब क्या करिए, दोनों का एलसीएम निकालिए। देखिए दोनों एक टेबल में नहीं आएंगे, पहले ये ध्यान दीजिए, एलसीएम तो जब निकालेंगे जो दोनों एक टेबल में आते हैं, यहाँ दोनों एक टेबल में नहीं आएंगे, तो दोनों का हम टेबल पढ़ देंगे। यानी आप, आपको रफ में दिखा दे रहा हूँ कि 9 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9 का 7 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 63, और इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे 7 में। देखिए इसके वाले का इसका, इस वाले का इसका, और इसका टेबल हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 एक बार लिख के दिखाता हूँ फिर आपको समझे, 7 माइनस, अब देखिए इसका इसमें पढ़ेंगे, 9 का 5 में, तो 5 -9, अरे बात समझ में। फिर एक लाइन कह दी, लाइन कह दी 63, अब लिखिए 7/7 = 49 माइनस लगा दीजिए, अब 5 9 = 45, क्लियर होगी बात। अब इसको क्या करिए, आप सब्ट्रैक्ट करिए, यहीं पर लगा सकते हैं आप, तो लिख दिए कि 63, और इसमें का 9 में से घटा देंगे 5 तो हो जाएगा 4, 4 में से 4 जा 0, और ये हमारा हो गया आंसर। आई बात समझ में। लेकिन देखिए ये सवाल है ना थोड़ा सा उससे भिन्न भिन्न नहीं है, वैसे ही है,
लेकिन आप समझिए इसमें हम क्या करें, देखिए दोनों किसी ना किसी टेबल में आएंगे, तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे हम 12 और 15 का। एलसीएम सिखाया गया होगा, नहीं तो वीडियो में देख लीजिए, एलसीएम सिखाने वाले में उसमें आपको मिलेगा। 2 से करेंगे 6 हो गया, ये 15 नहीं आता है, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 6 को 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 15 करेंगे। अब देखेंगे दोनों 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम कैसे करें, 3 से तो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा। अब 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे, 5 में 1 हो जाएगा, इसका पड़ेगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 3 = 12, 60। तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। अब इसमें करिए तो दोनों का हमने एलसीएम निकाला था कि बड़ी सी लाइन लिख देंगे, ये रफ का कार्य होगा, हमारे शो नहीं करने हैं, ये रफ का कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60। अब देखिए कैसे, वहाँ तो थोड़ा आसान था, इसमें थोड़ा सा अलग से है। तो इसमें हम 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 60 आ जाएगा, देखिए हमें आरएफ में कर रहे हैं, 60 के टेबल में कितना आ जाए, 12 में आ जाए, तो देखिए 5 बार में आ जाएगा, 60 हो रहा था, ये जो 5 आया है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 11 × 5 = 55, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर 15 से करेंगे, वही चीज़ें करेंगे यहाँ पर, 60 में हम 15 से करेंगे, तो कहा कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो भी 16 हो जाए। तो जो ये आ रहा है ना, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही बच्चे गलती करते, तो जानिए कि ये 5 कहाँ से आ रहा है, ये 4 कहाँ से आ रहा है, इस बात समझ में आ गया, तब को सवाल समझ में आने लगा। तो 4 × 5 जगह हो गए 20, अरे बस समझ में आया, बस आपका हो गया सवाल। अब इसको लिख दीजिए आप 60, इसको माइनस करिए 5 में, तो 5 हो जाएगा, आप 5 में 2 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर, देखिए तो ये सवाल है थोड़ा सा अभी बदला हुआ है, यानी मिक्स्ड में दिया है, तो पहले आप जोड़ के सवाल पढ़े, ऐसे बताए कोई भी सवाल हम करेंगे ना, तो पहले इसका हम इसमें टेबल पढ़ेंगे, तो 8 × 5 = 40, अब 40 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम सॉल्व, ठीक है। और लिखेंगे तो इसका पहले पढ़िए टेबल पढ़िए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47 / 9 में का लिखेंगे हम 8, फिर माइनस लगाइए, और फिर 8 × 1 = 8 × 3 = 11, और 11 / 9 का हो गया 8। अब वो जो पहले सवाल हमने बताया था ना, देखिए ऐसे नीचे के बराबर है ना, ये वैसे ही ये हो जाएगा, नीचे के बराबर जैसे हो जाएगा। तो फिर आप लिख दीजिएगा, एक लाइनर बना दीजिए, 8 लिखिए, लिख दीजिए 47 − 11, फिर बस एक लाइन आपका सवाल होने वाला है। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, आप 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, आप 9 में का हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो संख्या ऊपर की बड़ी है और नीचे की छोटी है, तो थोड़ा सा इसमें अलग करना पड़ेगा, इसमें आपको रफ में है, आपको सो मत करिएगा, ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करेंगे हम, तो इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 × 4 = 32, अधिक बार नहीं होना चाहिए, उसके बराबर या उससे कम, देखिए 6 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, एक कट जाएगा, 4 रिमाइंडर हुआ। तो अब जो यहाँ पर आया ना, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, और जो रिमाइंडर आता है ना, इसको लिखते हैं ऊपर, और इसके लिख देंगे नीचे, तो ये भी आंसर हो जाएगा, तो यह कटने लायक है। तो 4 / देखिए 4 × 1 = 4 और 4 × 2 =, ये भी आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए एक और आपके पास है सॉल्व, इसको सॉल्व करने हैं, तो पहले इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 12 × 5 = 60 और 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 67 / 12 − 1 / 2, इसमें टेबल नहीं पढ़ना, तब ऐसे लिख देंगे। देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आप निकाल के देखे जाएगा 12 का 2 का एलसीएम हमारा 12 आएगा, तो 12 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इस 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1 से ही तो करेंगे, तो ये सेम संख्या हो जाएगी। अब माइनस उतारेंगे, देखिए इसमें 2 में करेंगे, 12 में 2 से करेंगे तो 6 बढ़ जाएगा, देख रहे हैं ना, 6 बढ़ते, इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 = 6। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 6 है तो ऐसे ही हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ऐसे हम नहीं लिखें क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 12 से, 12 × 5 = 60 होता है, अब 1 बचेगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ लिखेंगे हम 12, और ये हमारा हो गया
आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सवाल। लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा जहाँ दिक्कत होगी एक बार और।